Assalamualaikum. तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक, उम्मीद करता हूँ तुम ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, मजे में होंगे, जाओगे खुश होंगे, एंजॉय कर रहे अपनी लाइफ को। तो बाबा जी आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी, और सस्ती शायरी मैच किया है कि बचपन में मैं सोचा करता था लाइन कैसे डालते हैं ये बंटे में, वाह 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 वाह। पब्लिक है कि नहीं, लाइक जब हम बचपन में बंटा देखते थे, या आपने एक दो बार तो लाजमी सोचा होगा, आपने बंटा हाथ में पकड़ा होगा, और जो हम मतलब यार बंटा चिद्दे उसको पता नहीं अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं काफ़ी कुछ, पर हम नॉर्मली बंटा उसको कह लेते हैं, ठीक है। सो हम बंटे में वो जो लाइन होती थी ना उसको देखा करते थे और सोचा करते थे यार ये लाइन इसमें डाली कैसी है भाई इन्होंने बंटे के अंदर। तो इसी बात पे आपके एनोनिमस ने, आपके क्रिएटिव एनोनिमस ने शायरी बना दी है। तो भाई सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है, बचपन में मैं सोचा करता था लाइन कैसे डाली जाती है बंटे में, वाह 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 वाह। बचपन में मैं सोचा करता था लाइन कैसे डाली जाती है बंटे में, कोशिश तो बड़े कर रहे हैं हम कि 50,000 लाइक्स हो जाएं 24 घंटे में। सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी, है ना, कोशिश बड़ी कर रहे हैं हम लेकिन 50,000 लाइक्स नहीं हो रहे 24 घंटे में। शायरी को आप इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन फैक्ट है पब्लिक की हमने बड़ी कोशिश कर ली, बड़ी जान लगा ली, लेकिन हमारे लाइक्स नहीं हो पा रहे भाई 24 घंटे में 50,000 लाइक्स। और पता नहीं ये मेरी ख्वाहिश अब कब पूरी होगी, वरना एक टाइम था 4 घंटे में हमारे 80,000 90,000 लाइक्स होते थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह वो टाइम ज़रूर आएगा दोबारा। पब्लिक कॉन्करर लॉबी इंजॉय करते हुए मैं दोबारा से लगा लिया था डुओ में गेम, और यहाँ पे ना लैंड होते ही हमें काफ़ी अच्छे किल्स मिल रहे थे। मतलब मोस्टली ऐसा होता है आप उतरते मर जाते हो, गन आपको मिलती नहीं है, जो कि बड़े दुख की बात है, और जब बिना गन मिले मरना होता है ना उसका दुख अलग ही होता है। यहाँ पे मैं भाई नजर आए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इनको मैंने डाउन करने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार के कवर में आ गए, और फिर भी मैं कवर में आके जो है ना वेट करने लग जाता हूँ सही मौके का, क्योंकि उनके एक बंदे नहीं थे दो बंदे थे, ये एक भाई साहब आते हैं, इनको मैंने डाउन करने की कोशिश की, डाउन कर देता हूँ। दूसरा भाई जो थे वो दूसरी साइड से आ रहे थे, अलमदार भाई का नाम था, इनको मैंने डाउन कर दिया। और मेरी टीममेट की हेल्थ कम थी, लेकिन मेरे पास ग्रेनेड था, बम था, जो मैंने डिसाइड किया भाई के कच्चे में फाड़ा जाए, फुल कुक किया, 2 सेकंड में फेंका, भाई भी नेड कर रहे हैं, लेकिन बाबा जी मुजम्मिल भैया नेड आपका एनोनिमस करता है सही से। यहाँ पे जो सामने बंदा था पब्लिक, उसने मेरा किल चुरा लिया, उसका नाम था हीर। अब हीर की तो मैं बनाऊंगा खीर, क्योंकि उसने मेरा कुछ चुराया किल, और ऐसे हम उसको छोड़ेंगे नहीं बाबा जी। हमने कुकी को डाउन कर दिया, अब कुकी को हमने खा लिया, अब हीर की बना के खीर हम उसे भी खाएंगे। तो कहाँ है हीर भाई, हम जाते हैं लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे हीर बाजी गुस्से में रश कर रही है, हीर बाजी को हमने जम करके डाउन किया, फौरन से कर दिया फिनिश। अब बाबा जी क्या तो मज़ा आया, फ़ौरन से फिर इनकी लूट उठाई, मज़ा तो नहीं आया, गुस्सा आया था, तो थोड़ा सा मुक्के शुक्के मारने की मैंने कोशिश की, क्योंकि भाई आप हमारा किल चुरा रहे हो, हमने नेड से फाड़ा है वहाँ पे भाई को, और आपने हमारा किल चुरा लिया। भाई किल भाई, ये मेरी बिलियन यार, कभी कुत्ते कभी मुर्गे, आज मैं देख रहा हूँ कि मेरी गली में बिलियाँ लड़ रही हैं भाई रात के टाइम। मतलब इनको और कोई काम नहीं है क्या, इनको भी वीडियो में आना था ना, अब बताइए क्या बोल रही हूँ ना, मियाँ हमें वीडियो में लो मियाँ, ऐसा कुछ करके ना ये कोशिश कर रही हैं बोलने की, लेकिन बाबा जी हम इनको इग्नोर करके कमेंट्री कंटिन्यू करेंगे। पब्लिक आपको मैं एक स्पेशल बात तो बताना भूल ही गया कि आप मेरी ब्लॉगिंग को इतना पसंद कर रहे हो, माशाल्लाह से इतने मज़े की वीडियोस हमारी जा रही हैं ब्लॉगिंग वाली। तो मैं भाई अपना कैमरा तो मैंने लिया हुआ था ब्लॉगिंग के लिए, मैं उसके लेंसेज लेके आया हूँ, और उसका भी मैंने एक कंप्लीट व्लॉग छोटा सा जो है वो रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। यहाँ पर टाइम पूरा हो जाता है वैसे, बाय द वे हमें नीचे फेंक देते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी वो स्पेशल बात बता चलूँ कि हमारे ब्लॉगिंग के लिए मैं कैमरा वगैरह लेके आया था, काफ़ी सामान लेके आया था, उसका मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया था, वो इंशाल्लाह आज संडे को मैं लाजमी पोस्ट करूँगा, छोटा सा होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको कब पूरा हो जाएगा कब गुजर जाएगा, तो लाजमी देख लेना मेरी एनोनिमस की पब्लिक एनोनिमस 360 वाले हमारे चैनल पे, वो आएगा शाम में किसी भी टाइम, तो आप ज़रूर जाके देखना। पब्लिक यहाँ पे हम 5 किल मेरे हो गए थे, और एक अच्छे किल्स हमें मिल सकते थे इस गेम प्ले में अगर हम ऊपर जाके थॉर यानी वो मतलब जो हमारा हथौड़ा था वो बन जाते हैं, लेकिन पबजी वालों की ना पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है, इनको इन्होंने मुझे पाँव पाँव बना दिया, म्याऊं म्याऊं पाँव पाँव पता नहीं क्या होती है ये बाजी, लेकिन हम बाजी को स्विच करके कुछ और बनने लगे तो इन्होंने हमें मुक्का बना दिया, नहीं मतलब क्या, वो देखो हमारे टीममेट को पाँव पाँव से वो बना दिया और हमें पाँव पाँव से मुक्का बना दिया, इतना गुस्सा आया मुझे। फिर पब्लिक इतनी देर में बंदे उतरते हैं, यहाँ दो, एक मुक्का और दूसरा पाँव पाँव, मतलब हमारे नहीं भाई दोनों यार पब्लिक ये देख लो अब ये गलत है या नहीं है। पबजी वालों अल्लाह करे तुम सो रहे हो और तुम्हारे अकाउंट में यूसी ज़्यादा हो, और फिर तुम्हारे अकाउंट के यूसी सारे ख़त्म हो के हमारे पाकिस्तानियों के अकाउंट में बराबर बराबर आ जाएँ, तुम्हारे यूसी अकाउंट सारे जो है ना वो मैं बता रहा हूँ जितने तुम्हारे पास लाखों करोड़ों यूसी हैं वो हम सारे पाकिस्तानियों के अकाउंट में फ्री में आ जाएँ, और फिर हम सब मैक्लेरन ले लें, और फिर तुम्हारे पास से ना पबजी वालों जो पाकिस्तानी से तुम पैसा कमाते हो वो बिल्कुल भी तुमसे कुछ ना खरीदें, क्योंकि उनके पास ढेरों यूसी हो, मेरी तुम्हें बद्दुआ है क्योंकि तुम मुझे हथौड़ा नहीं बनाते हो। अब मेरी इस बद्दुआ से मेरे बड़े पाकिस्तानी भाई लोग खुश हो गए होंगे, है ना, मतलब चलो यार झूठे मूठे टाइम में इतना यूसी हमें मिल गया तो खुश हो जाते हैं थोड़ी सी देर। काफ़ी किल्स करने की कोशिश मैं कर रहा था पब्लिक फिलहाल मुक्कों से भी, क्योंकि मेरे पास ना यहाँ पे दो मुझे किल मिल चुके थे,
इस मुक्के को मारने की ट्राई की, फिर क्वीन बाजी को हमने डाउन कर दिया। यहाँ पे दूसरा मुक्का वाला एक और बंदा घूम रहा था, यहाँ पे अरमानी भाई को भी हमने डाउन करने की कोशिश की, लेकिन मेरी हेल्थ काफ़ी कम हो जाती है, फिर मुझे यहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे दो अलग अलग टीम्स आ गई थी, तो इससे बेटर था निकल लिया जाए। लेकिन निकलने के बाद भी मैं कुछ ज़्यादा देर यहाँ पे बच के नहीं रहता, मैं मर जाता हूँ पब्लिक, और फिर हम दोबारा से दूसरे वाले आइलैंड पे जाने की कोशिश करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, ये जो बड़े गौर से तुम मेरी बातों को सुन रहे हो ना, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, वीडियो को तुम सही से नहीं देख रहे, बस मेरी बातों को सुन रहे हो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, वीडियो को तुमने लाइक नहीं किया, मैं बता रहा हूँ चूंटी ना तुम्हारे कच्चे में घुस जाएगी और फिर तुम्हें काटेगी और फिर तुम्हें ना खुजाना पड़ेगा। तो इससे पहले कि मेरी ये वाली बद्दुआ काम करे, आप जल्दी से ठोक दो, फोड़ दो लाइक बटन, वरना मैं बता रहा हूँ कि आप अगर जो शोरबे वाला सालन खा रहे होगे ना, आलू गोश्त अब खा रहे होगे, तो बोटी की जगह ना आपके मुंह में हड्डी आ जाएगी और फिर आपके दांत में जाके टिक करके लगेगी और फिर आपको पता चलेगा। तो इससे पहले कि आप आलू गोश्त, आपकी मम्मा आलू गोश्त बनाए, जैसे हमारे घर में भी कभी कभी बनता है, फिर मैं आलू गोश्त खाता हूँ, तो फिर कभी कभी अगर हड्डी आ गई मुँह में, फिर आपको वो चुभेगी, फिर आपको वो निकालनी पड़ेगी। तो उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ठोक दो, फोड़ दो लाइक बटन, मेरी एनोनिमस की पब्लिक। अब यहाँ पे पाऊँ पाऊ बाजी भाई, क्या इधर कहाँ से आ गया था तू भाई मेरे, टॉक्सिक टॉक्सिक भाई को हमने डाउन किया, हालांकि भाई ने भाई मिसाइल मार के जान निकाल दी थी, एकदम से आ गया था, और उसके दूसरे टीममेट भाग रहे थे, तो हमने इनसे भी फाइट ली और ये मैं उछल के मारा है। यहाँ पे बॉस को भी हमने डाउन किया, तो 8 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए थे और हम कोशिश कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा किल पिक करने की। लेकिन जब तक थोर नहीं होता पब्लिक, ये जो हैमर नहीं होता, मुझे मज़ा नहीं आता क्योंकि मुक्के में ना आपको बड़ा क्लोज जाना पड़ता है। वैसे तो मैं उड़ भी सकता हूँ, पर ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है, फिर आप पावरफुल होती है और फिर आप आगे जाते हो, तो ये काफ़ी लेट हो जाता है। यहाँ पे भाई साहब को हमने डाउन किया, तो इसके लिए आपको क्लोज जाना पड़ता है, क्लोज जाते जाते सम टाइम आपकी इतनी हेल्थ कम हो जाती है। तो मुक्के तो कोई ज़्यादा फेवरेट तो है नहीं भाई अपने, पाँव पाँव भी नहीं है, स्नाइपर गर्ल भी ठीक है और वो थोर भी ठीक है, तो फिलहाल हम दोनों ही नहीं बने हुए थे। और यहाँ पे फिर से इसको डाउन कर दिया, नीड वाइफ भाई, ये कुछ ज़्यादा ही सिंगल है भाई। अगर तुम्हें बेगम चाहिए ना, अपनी अम्मा जान को या अपने अब्बा जान को बोलो, आप पबजी वालों को क्यों बोल रहे हो भाई, मुझे बताओ मेरे भाई, वाई यू दिस नेम। उसके पब्लिक यहाँ पे हम ना मर जाते हैं, लेकिन मरते मरते ही पब्लिक में यहाँ पे अच्छे किल उठाने में कामयाब हो जाता हूँ। आप देख सकते हो अकेला रह गया था मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ना दो से तीन टीम्स भाई आपस में लड़ रही थी, और जैसे क्राउड में नहीं घुस जाते आप एकदम से, 5-10 बंदों की लड़ाई हो जाए, आप भी बीच में घुस जाओ, दो आपको पड़ रही है, दो आप मार रहे हो, तो इस चक्कर में मैंने भाई घुस के दो बंदों को डाउन कर दिया था, और फिर मेरी हेल्थ हो जाती काफ़ी ज़्यादा कम, फिर मैं हील की तरफ भागा, बिल्कुल ज़रा सी HP रह गई, क्योंकि फूक मारेगा मर जाऊँगा। तो यहाँ पे ना आगे हील होती है, लेकिन वो भी कोई लेके जा चुका था, तो उसकी वजह से ना मैं हील भी नहीं उठा पाता और यहाँ पे मैं मर जाता हूँ, क्योंकि मेरी HP बिल्कुल कम रह गई थी। लेकिन जाते जाते भी भाई मैं 12 किल उठाने में कामयाब हो जाता हूँ पब्लिक। अब जिस बंदे ने मारा, इससे हम बदला लेंगे और ज़रूर लेंगे। अब भाई तेरे मारने से मैं मरा तो नहीं, लेकिन मेरे भाई मेरे मारने से तुम ज़रूर मरोगे, मैंने नाम नोट कर लिया, जब तो हमको पीटते हो हम नाम नोट कर लेते हैं, और हम बदला लेंगे, ज़रूर लेंगे, और गोली भी हमारी होगी या फिर नेड हमारा होगा, और खोपड़ी तुम्हारी होगी या फिर कच्छा तुम्हारा होगा। वाह 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 वाह, स्क्वाड रुके थे पब्लिक, यहाँ रुकने के बाद जो यहाँ से चले जाता है, तो हम गाड़ी उठा के दूसरे स्क्वाड आ गए थे। स्क्वाड आने के बाद ना स्कूल के अपार्टमेंट्स में ना फाइट हो रही थी, शॉट्स वगैरह आ रहे थे, तो हमने डिसाइड किया छत पे जाके इस वाले घर से ना, जब अच्छा हम स्कूल अपार्टमेंट में होते हैं तब भी हमें पता होता है कि ये वाले घर पे अगर बंदे हैं तो हम आप स्नाइपिंग में फाइट ले सकते हो, और यहाँ से भी हमें पता होता है कि स्कूल के अपार्टमेंट के करीब करीब वाले अपार्टमेंट में आपको नजर आएंगे बंदे, आप वहाँ से फाइट ले सकते हो। तो यहाँ पे एक बंदा छोटे वाले घर पे होता है, मैं टीममेट ने मार्क किया, मैं वहीं पे देखने लगता हूँ, तो वो भाग के जा रहा होता है वॉल से किसी और से फाइट लेने के लिए। इसके तो मैंने बम में गोली मार दी, बेचारा बॉडी शॉट लगने से नॉक हो जाता है, उसको फिनिश कर दिया जाता है मेरे टीममेट की तरफ से। एक बॉडी शॉट तो मैं नहीं मार देता, वो बेचारा इतना हल्का तो हो गया होगा कि लुढ़कता लुढ़कता टीममेट तक जाता जाता वो मर जाता, लेकिन उसको हमने इस दर्द से आज़ाद करते हुए बेचारे को लॉबी भगा दिया। पब्लिक यहाँ पे 13 किलो गए, इतने में बाइक आती है, और यहाँ मैंने बिना स्कोप के ना यहाँ पे एक पता नहीं क्या फुलझड़ी मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं होता, और इतनी देर में ना बंदे रुकते हैं फाइट लेने के लिए और सामने वाले घरों में आ जाते हैं। पब्लिक यहाँ आपके एनोनिमस ने एक अलग ही अकल इस्तेमाल की, आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो जब आप इस वाले अपार्टमेंट में होते हो और सामने बंदे आ जाते हैं। देखो इस छत पर जंप करो, इस छत पे जंप करने के बाद भागते भागते पब्लिक आप चले जाओ इस वाली छत पे, यहाँ से वॉल से भागते भागते इस आप इस छत पे आ जाओगे और यहाँ से आप सामने अच्छे से फाइट ले सकते हो। तो भाई टिप्स एंड ट्रिक्स विद अनोनिमस बाबा जी, ठोक दो लाइक बटन, मेरी एनोनिमस की भाई पीक ले रहे थे, इनको मैंने डाउन कर दिया। अब ये बड़ी गलत चीज़ है यार, फाइट में ना एक बंदा जब नॉक हो जाता है फिर जंप करना स्टार्ट, क्योंकि भाई पता होता है कि अब रश आएगा, ये बड़ी गलत चीज़ है यार, इट्स अ रिक्वेस्ट। वैसे मैं एक मतलब इस चीज़ का अब थोड़ा सा मुझे समझ आने लग गई है कि जो पब्लिक वीडियोस देखती है ना उनको पता होता है, वो ये चीज़ नहीं करते, वो ऑल पे मुझसे बात भी करते हैं ना समटाइम, तो बोलते हैं एनोनिमस भाई हम लोग फाइट लेंगे, हम मीटअप नहीं करेंगे, आपकी वीडियो देखते हैं और हमें पता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको सिर्फ पता होता है यार ये यूट्यूबर है बस, अब इसको इसके आगे जंप ही करना है, लाइक उनको इतना ये पता होता है, वो वीडियोज़ नहीं देखते ना, वो ये देखते हैं यार ये कितने अरसे से बार बार एक ही चीज़ बता रहा है, तो वो जंप करने लग जाते हैं। पब्लिक हम लोग आके रुके थे बिल्कुल सर्कल के मिड में, यहाँ पे अलग ही फाइट हो रही थी, उसको सबसे पहले डाउन किया पहले जिसने ऊपर मुझे डाउन किया था ज़रा सी HP पे। भाई ये दो टीम्स लड़ रही थी और हम इनका ना भंग में नहीं, पता नहीं भंग में कुछ नहीं, इनकी हम दाल में
नहीं कबाब में हड्डी बनने आ गए थे क्या, भंग में और दाल में, क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं आ गया था कबाब में हड्डी बनने। अब उसको तो मैंने डाउन कर दिया, लेकिन लेफ्ट से ना ये मेरी पिंक चली गई है यहाँ पे, पब्लिक 300 हो गई थी आप देख सकते हो, तो उसको तो मैंने डाउन कर दिया था। लेफ्ट से जिसको मैंने डाउन किया था ना, उसके टीममेट ने मेरे टीममेट को नॉक किया। अब ये जो भाई थे इनका तो मैंने नेट से किल उठा लिया, एक बंदा अभी भी वहाँ पर मौजूद है और उससे हमें फायर देनी पड़ेगी, लेकिन स्टिल मेरी पिंग ऊपर नीचे हो रही है, 195 हो गई थी वापस से 28 हो गई है, लेकिन मैंने अपनी टीममेट को रिवाइव दिया और उसके बाद यहाँ से जल्दी से नेट वगैरह उठाया और कर दिया रश। लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि यार इस बंदे को नेट से नॉक किया जाए, क्योंकि उसने कवर बना रखी थी और मतलब नेट से ही इजीली बिना करीब जाए उसको डाउन किया जा सकता था। एक ही नेट था और मैंने पूरी उम्मीद के साथ ना नेट फेंका और मैंने अपने टीममेट को बोल दिया था कि ये फटा, नेट से पहले ही बोल दिया था कि ये बंदा फटा। और वही होता है पब्लिक यहाँ पे, नंदू भीड़े दिमाग में कीड़े, हमने डाउन कर दिया नंदू भीड़े भाई को और फिर जल्दी से लूट वगैरह की। ओम सिर्फ मेरे पास थी, एक और ओम मिल जाती तो हम दोनों के पास ओम हो जाती, काफ़ी अच्छी लूट हो जाती है, दोनों ओम पिक करते हैं, अच्छी अच्छी लूट मिलती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ढेर सारी क्रेट्स यहाँ पे मौजूद होती हैं कि भाई लूट की क्रिस्टल से मतलब 109 क्रिस्टल थे मेरे पास, लेकिन उनको यूज़ करने की नौबत ही नहीं आई थी इतने ज़्यादा लूटने के बाद। अब यहाँ पे एक स्नाइपर भाई होते हैं जिनको पता नहीं खुजली होती है बॉडी शॉट मारने की और मुझे उनकी पोजीशन नहीं पता होती, फिर भाई हमने उनसे बदला लिया कि तुम हमारी वेस्ट ख़राब करोगे, हम तो सॉरी बोल बोल के ना मुझे एकदम खांसी सी लग गई थी तो मैं रुक गया था। पब्लिक यहाँ पे मैंने बोला अगर तुम हमारी वेस्ट ख़राब करोगे तो हम तुम्हारी खोपड़ी क्यों ख़राब नहीं करेंगे। मुझे नज़र आ गया था वो बंदा इस दरख्त के पीछे, जैसे भाई ने पीक दी ना तो हमने कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया MS भाई को। और फिर भाई इनके जो टीममेट थे ना वो तो इनसे कुछ ज़्यादा ही दूर चले गए और रिवाइव देने उनको इतनी तौफीक ही नहीं हुई कि भाई को आगे बचा लें। भाई कितनी देर तक दरख्त पे तड़पते रहे। पब्लिक यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, या आप अगर मुझे थोड़ी सी भी मतलब वो चीज़ समझने की मतलब एक चीज़ आपको गाइड करना चाहूँगा, सिखाना चाहूँगा कि दरख्त के ना बिल्कुल हल्का सा साइड पे मारने के बाद भी ना समटाइम गोली लग जाती है एनिमीज को। उसका रीज़न ये एम असिस्ट जो पबजी ने बनाया हुआ है वो आपके काम आता है। अब देखो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर कितना क्लियरली दिखा रहा हूँ, वो उसकी बॉडी कुछ ज़्यादा रिवील नहीं हो रही थी, लेकिन बिल्कुल दरख्त के साथ एच पे मारने से उसकी बॉडी से टच होती गई बुलेट और वो बुलेट की वजह से एम एसिस्ट की वजह से बुलेट उसको लगती है और वो डाउन हो जाता है। तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो समटाइम अगर आप एनिमी को दरख्त के पीछे मार रहे हो। पब्लिक बगी गुजर रही होती है और मैं आ जाता हूँ टंकी के ऊपर। यहाँ पे भाई क्या तो हमने 17 किल चुराया, मज़ा आया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। हालांकि मतलब मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया था, कुछ ज़्यादा नहीं दिया था, लेकिन हालांकि ये किल मतलब दोनों में से किसी का भी बन सकता था। फिलहाल हमें मिल गया लोकी भैया का किल, तो चलो हम ये हम बोलेंगे कि हमने किल नहीं चुराया, लेकिन अगर हमारे टीममेट को मिल जाता तो हम ज़रूर बोलते कि किल चुरा लिया है ना। मतलब अपना तो मानना ही नहीं है ना भाई, किल चुराया टीममेट का मान लो फौरन से कि किल चुराया, तो हमने यहाँ पे ऐसे ही किया, अपना नहीं मानेंगे हमने किल चुराया। हम अगर वो कोई और चुराएगा, हमारे टीममेट सामने वाला चुराएगा, तो हम बोल देंगे भाई कि किल चुरा लिया है ना भाई, लॉ ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स, वाह 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 वाह। लेकिन मेरे किल्स काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो यहाँ पे दो बंदे नीचे हमें नजर आए थे। मैं पहले टीमर को ये बोला कि बैक साइड आके क्लियर करते, यहाँ पे कोई बंदा कैंप तो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हम फाइट लेंगे अचानक से कोई आके मारेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हमें ब्रिज के नीचे बंदे मिलते हैं पब्लिक को, यहाँ पे मैंने मारा ही नहीं इनको, मैंने टीमर को बोला भाई ब्रिज के नीचे बंदे हैं, आप जाके मारो किल उठाओ और आप नॉक होगे तभी मैं मारूंगा वरना मैं नहीं मारूंगा। वो देखो फाइट लेती हैं, दोनों के दोनों किल उन्हें मिल जाते हैं, उनको किल्स की जरूरत भी थी क्योंकि माशाल्लाह से मेरे 19 किल ऑलरेडी हो गए थे। देखो मैं मार ही नहीं रहा था, मेरे सामने घूम रहे थे वो, तो मेरे से माशाल्लाह से अच्छे किल हो गए थे। अब उनको किल की जरूरत थी तो दोनों किल हमने उनको दे दिए और फिर पब्लिक जोन भी हम पे था, तो ऊपर आके हम बाकी बंदों से फाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं। पब्लिक थोड़ी बंदे लाइव रह गए थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे। बगी आ रही होती है, मैंने ना यहाँ पर सोचा मेरी टिकटॉक बनने वाली है भाई, हेडशॉट लगेगा जैसे ही चलेगा, लेकिन जैसे वो चला थोड़ी सी बुलेट जाके पीछे लग जाती है, ये बंदा बच जाता है और इसका किल भाई किसी और के नसीब में लिखा होता है। और भाई बात ऐसी है कि जो चीज़ आपके नसीब में होना सिर्फ वही आपको मिल के रहती है, तो ये किल तो हमारे नसीब में बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आ गया तो एक भाई साहब हमें ना अपना कच्छा सुखाते हैं, उस पर धूप लगाते नजर आते हैं। हमने फ़ौरन से भाई को डाउन किया, थग 007 भाई को। पब्लिक तीन अलाइव और रह गए थे, तो दो बंदे भाई सामने आ रहे थे और बड़े कोई ना प्रो वाले स्टाइल में आ रहे थे, कि सिद्धू मूसे वाले का गाना इन्होंने बैकग्राउंड में लगाया हुआ था और ओपन में ना रश करने की कोशिश कर रहे थे और खड़े होके मार रहे थे भाई। चलो भाई अचानक से ना दोनों एक ही कवर के पीछे आके बैठते हैं और पीछे से एक कोई सोलो था, उसने भाई दोनों को वहाँ पर फिनिश कर दिया और फिर सोलो का किल जो है मतलब एक ही बंदा रह गया था। नेट तो मैंने किया था, नेट काफ़ी ठीक ठाक चला गया था, मौली में फेंकने लगता हूँ कि आग लग जाएगी, लेकिन इतनी देर में क्योंकि 5 अलाइव थे, सोलो को पीछे से उतर के आता है भाई और उसने दोनों को वहाँ पर डाउन कर दिया और फिर वो सोलो मेरे टीममेट में नजर आता है, वो उसको डाउन कर दिया। ऐसे में मिलता है पब्लिक विनर, विनर चिकन डिनर मेरी एनोनिमस की पब्लिक। बाकी लॉबी थी कॉन्करर की, वो आप रैंक भी देख सकते हो। बाकी संडे है तो लाजमी मुझे वीडियो पोस्ट करनी थी आप लोगों के लिए, मैंने कर दी। वीडियो कैसे लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। रैंक क्या चल रहा है पब्लिक को आप देख लेना, भी आपको शो करा दूंगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखना और दुआ में याद रखना, और हो सके तो भाई एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना, दुरूद पाक पढ़ के आप कमेंट में डन लिख सकते हो अपने अपने सवाब के लिए।
ठीक है, एक बार लाजिम पढ़ लेना, बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द। अल्लाह हाफिज़ मेरी एनोनिमस की पब्लिक।